नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हैं। मैं अनिल कुमार राम। तो आज हम बोट स्टाफ स्टिक के ऊपर में कुछ बेसिक लेकर आए हैं, जो आपको समझने और सीखने में आसानी हो कि एक हाथ से दूसरे हाथ में फिंगर के ऊपर में कैसे स्टिक को घुमाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। और ऐसी वीडियो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि आपको पहुँचाते रहें आप तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले फिंगर पर, अगर ये वाला अगर वीडियो आपको करना है, ये वाला अगर ट्रेनिंग करनी है, तो पहले हम लोगों ने कुछ एक हाथ पर फिंगर के ऊपर में स्पिन करके घुमा कर दिखाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो इस वीडियो को सीखने में आपको सुविधा होगा। पहले हमको इस वीडियो में फिंगर को घुमाना है, फिंगर के ऊपर में स्टिक को घुमाना है, उसके बाद दूसरे हाथ से पीछे से ले जाकर चेंज करना है। देखिए, अभी साइड से करते हैं इसी को। स्लो स्लो हमेशा जब भी ट्राई करें कि स्लो स्लो करना है, हड़बड़ी ना करें, नहीं तो आपको चोट भी लग सकता है इससे। और कोशिश करेंगे कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से, एक दिन में ये नहीं होगा। आप सोचेंगे कि एक दिन में किया हुआ है, तो नहीं, इसके लिए बहुत दिन का मेहनत लगता है। कोई भी चीज़ अगर फिट होना या मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान होता, फाइटर बनना आसान होता, तो पूरा वर्ल्ड फिट होता और पूरा वर्ल्ड अच्छा फाइटर बना हुआ था। तो आपको मेहनत करना है। देखिए, स्लो स्लो करना है। फिंगर के ऊपर में घुमाकर जब छोटी उंगली के पास में स्टिक आएगा तो हाथ को चेंज करना है पीछे की तरफ में। छोटी उंगली के पास में आया, हाथ चेंज, सेम वैसे ही। तो पहले स्लो स्लो करना है, जब आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए इसके ऊपर में, तब उसके बाद आप स्पीड बढ़ाएं, नहीं तो आपको चोट भी लग सकता है। और अगर आपको अच्छा कोई चीज़ करना है तो थोड़ा टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा और अच्छे से उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं अच्छा, तो आप किसी से भी, कोई भी हो सामने, उससे अच्छा बेहतर कर सकते हैं। बस मनोबल अच्छा होना चाहिए। साइड से देखिए पीछे में कैसे करके हम घुमा रहे हैं। और कोशिश करना है, जब भी ये स्टिक घुमा रहे हैं, आपका एल्बो थोड़ा सा ऊपर होना है, फिर उसको नीचे की तरफ चापेंगे, स्टिक अपने आप घूम जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर आप उस पर ध्यान लगा कर करते हैं तो वो अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है। थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है, उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें। ये पीछे से करते हैं। स्लो स्लो, हाँ, ये छोटी उंगली के पास में जैसे ही आया, हाथ पीछे की तरफ दे देंगे और अच्छा सा एक कमेंट कर दें हमारे चैनल पर इस वीडियो के ऊपर में। और ज़्यादा अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और कुछ अगर सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन भी दे सकते हैं, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ आपने जो बोला उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। स्लो फिंगर के ऊपर में देखिए किस तरह से जा रहा है, और गया छोटी उंगली के पास, जैसे ही गया बस पीछे जाकर चेंज कर दिए। वैसे ही छोटी उंगली के पास में एल्बो को उठाते हुए फिंगर को घुमाया, और छोटी उंगली के पास में जैसे ही गया हमने स्टिक को चेंज कर दिया पीछे ले जाकर। सेम वैसे ही अभ्यास रेगुलर रखना होगा आपको। अगर आप रेगुलर अभ्यास रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सभी चीज़ आप कर सकते हैं किसी भी उम्र में। मार्शल आर्ट बहुत सारे का आता है कि हमारा उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी उम्र हो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और कोई भी चीज़ सीख सकते हैं अच्छे से, बस लगन अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हम अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात, ये स्टिक मेरा जो है ये 20 साल, इसका उम्र 20-22 साल हो गया है, बस ये भी बताना था। ये मेरा बहुत अच्छा साथी है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।